अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ आज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। फर्स्ट एंड सेकंड मोशन की तरह आप थर्ड इक्वेशन करेंगे। सो इक्वेशन की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये याद रखना है कि ये भी इक्वेशन किस मोशन के लिए है कि जब बॉडी क्या करी हो, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है बॉडी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है, उसी के लिए थर्ड इक्वेशन भी इसी मोशन के लिए। फिर से कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये इक्वेशन मैं दो मेथड से करूँगा, जो आपको ज़्यादा आसान लगे वो आप अडॉप्ट कर लें। एक मेथड जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर है, और दूसरा मेथड मैं आपको करके दिखाऊँगा जो आपको सूट करे, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड हो या सेकंड मेथड हो, कुछ चीज़ें कॉमन है जो फर्स्ट में भी और सेकंड में भी लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊं। चलिए जी, सबसे पहले सिचुएशन क्या है, फिर से वही स्टोरी लिखनी है। स्टोरी ये है कि बॉडी क्या है, फर्ज कीजिए कि बॉडी है वो क्या कर रही है, स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, कुछ वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होके इनिशियल से क्या हो गई है, फाइनल, और इस वेलोसिटी के चेंज होने में कुछ टाइम लगा, और इस दौरान उसका एक्सेलरेशन क्या था, बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। आइए बढ़ते हैं अब हमने ग्राफ की तरफ, क्योंकि हमने सारी ही इक्वेशंस ग्राफ से ड्राइव करनी है। तो ग्राफ दो चीज़ों के दरमियान है, टाइम और स्पीड या वेलोसिटी के दरमियान। तो ड्रा करते हैं ग्राफ। ग्राफ देखिए, इसमें और सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है जी। एक्स एक्सिस पे हमारे पास बेटे टाइम है, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है जी, स्पीड या वेलोसिटी। सिचुएशन क्या थी कि बॉडी अपने नुक्ता आगाज़ पे ज़ीरो पे नहीं थी उसकी वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही थी, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी इस जगह, हाँ, तो कुछ वक़्त के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी। इस दौरान इसका एक्सेलरेशन क्या था, इसका एक्सेलरेशन बेटे क्या था, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब इसकी प्रोजेक्शन हमने ड्रॉ करनी है वाई पे, इसी तरह से प्रोजेक्शन किस पे ड्रॉ करनी है, एक्स एक्सिस पे, इसी तरह से इसे यहाँ मिला। अच्छा बेटे, सेकेंड इक्वेशन में अगर याद पड़े तो पहले नाम ले लें, इस जगह का नाम ए है, इस जगह का नाम बी था, यहाँ भी सी है, ये डी है, और ये आगाज़ ओ है। आज सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने बेटे क्या किया था, इन डिस्टेंस ट्रैवल्ड मालूम किया था, ये हिस्सा लैदा से कंसीडर किया कि ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, दोनों के एरियाज़ को ऐड अप किया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया, एस का आंसर आ गया। लेकिन इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरी फिगर को, इस पूरे शेडेड रीजन को, इस पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, एक ग्राफ को, ज्योमेट्री को, एक ही तस्वीर, एक ही फिगर कंसीडर करेंगे और वहां से डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले उसी तरह जैसे सेकंड इक्वेशन में हमने कुछ बायोडाटा यहाँ से लेना है, वो बायोडाटा तो लिख ले, क्या क्या यहाँ से डायग्राम से देखिए क्या लिखना जी, डायग्राम से हमें क्या दिख रहा है, ओ डी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है, और ये किसके बराबर है, टी के। इसी तरह से ओ ए डायग्राम से दिख रहा है किसके बराबर है, पैरेलल है, आमने सामने है, इक्वल है किसके, सी डी के, और ये क्या चीज़ है, इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह से बी से लेके डी तक का फासला, बी से लेके डी तक का फासला, बी से लेके डी तक का फासला क्या है, फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह से बी सी क्या था, अभी पिछली क्वेश्चन में भी ड्राइव किया, अब दोबारा से कर लेते हैं, बी सी कैसे आएगा, बी डी दो हिस्सों में मुश्तमिल है, बी सी प्लस सी डी, इनको नाम दे दीजिए भाई, इनको गेन हमने यूज़ करना है थर्ड इक्वेशन में, तो ये हर इक्वेशन में हमने लिखना है। अच्छा, क्या लिखेंगे आगे, कि हम लिख सकते हैं बी डी फासला बेटे किसके बराबर है, बी सी प्लस सी डी, बी सी किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से बी डी माइनस सी डी, बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस सी डी, क्या वैल्यू है बी डी की, वी एफ, क्या वैल्यू है सी डी की, वी आई, ये देखिए ये भी चाहिए, ये वैल्यू सारी चाहिए हमें, इसलिए हर इक्वेशन में इनको ड्राइव करना है, हर इक्वेशन में इन्हें इनको लिखना है, क्योंकि इनको इस्तेमाल आना है, इन्हें यूज़ करना है। इसके अलावा एक और चीज़ यूज़ होनी है,
वो भी लिख लेते हैं यहाँ से, थोड़ा सा मज़ीद इसे कर लीजिए। बी सी बेसिकली बेटे किसके बराबर था, बी सी हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था, ये किसके बराबर था, ए टी के, तो वी एफ माइनस वी आई ए टी के, तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, ये भी यूज़ होना है इसलिए मैं इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, अब ये सारी वैल्यूज़ हम यूज़ करेंगे इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हें लिख लिया। अब चलते हैं बेटे फर्स्ट मेथड की तरफ। पहला मेथड जो है उसके ज़रिए मैं करता हूँ, जो टेक्स्ट बुक में भी है उस मेथड से मैं इसकी डेरिवेशन करता हूँ, फिर मैं सेकंड मेथड से करूँगा। फर्स्ट मेथड से मैं इधर कर देता हूँ, सेकंड से वहाँ, डिफरेंस जो भी आपको बेहतर मेथड लगे उसे आप कर लें। ये सारी चीज़ें फर्स्ट में भी लिखनी है, चाहे सेकेंड मैथड से किस भी तरीके से करें, ये चीज़ें तो लिखनी है। फर्स्ट मैथड लिखता हूँ जो कि टेक्स्ट बुक में भी है, उस वो तरीका कार किया। अब देखिए बेटे इस डायग्राम का नाम ओ ए बी डी डायग्राम, एक ऐसी डायग्राम है जैट इज ट्रपीजियम। ट्रपीजियम एक ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसकी दो साइडें पैरेलल होती हैं और एक साइड का जाविया क्या हुआ करता है 90, एक साइड दो साइड, एक दो तीन चार साइडें हैं, इनमें से दो साइड्स पैरेलल और जो तीसरी साइड है उसका दोनों के साथ जाविया क्या हुआ करता है 90। ऐसी शक्ल को क्या नाम दिया जाता है, ट्रपीजियम। तो हम इसका मतलब ओ ए बी डी डिस्टेंस ट्रेवल मालूम करना है, बी में तो हमने इस दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, लेकिन अब हम टोटल मालूम करेंगे ओ ए बी डी डायग्राम क्या बनेगी। अगर इसको बीच में से निकाले तो ओ ए बी डी जो है इसके नीचे जो एरिया है, इसके नीचे जो साया बनेगा वो हमें क्या देगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसका मतलब लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसे मिलेगा, एस इससे जाहिर करते हैं किसके बराबर है बेटे, एरिया, किसका एरिया, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, जिसको नाम भी दे सकते हैं आप ट्रपीजियम, ओ ए बी डी, यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रपीजियम, ट्रपीजियम जिसकी दो साइडें पैरेलल हुआ करें और एक साइड का जाविया 90, इसको हाइट कहेंगे और ये साइडें पैरेलल साइड्स कहलाएंगे। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का कुलिया है, वो फार्मूला क्या है, वो रिलेशन क्या है, जैसे हमने पिछले टॉपिक में सेकंड में किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कुलिया दर्ज किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दर्ज किया, दोनों को ऐड किया, जो वैल्यूज थी दर्ज की, आंसर आ गया। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का कुलिया बेटे क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनमें हाइट क्या है बेटे, ये तो हाइट नहीं हो सकती, ये है हाइट जिसका इनके साथ जाविया 90 है, तो ये हाइट कंसीडर होगी और ये क्या कंसीडर होंगी, पैरेलल साइड्स। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या है लेफ्ट साइड पे एस है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या आएगा, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ओ ए, एक साइड ओ ए है, ये पैरेलल किसके है, बी डी, यहां तक तो नहीं रुकेंगे हम, ये है टोटल बी डी, और साथ में हाइट क्या बेटे नजर आ रही है, ये तो पैरेलल साइड्स होगी, ये हाइट नहीं हो सकती, ये हाइट है ओ डी, ओ डी इज द हाइट। अब आइए इनकी वैल्यू दर्ज करते हैं, ओ ए क्या है बेटे, ये लिखा हुआ पीछे, ओ ए क्या है, वी आई है, बी डी क्या है बेटे, वी एफ है, और ओ डी वैसे के वैसा रहने दे, ये टू इधर चला जाएगा, टू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आई प्लस वी एफ इंटू ओ डी। अगर मैं बोथ साइड्स को, दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई करूं, एक और अजम्पशन थी जो हमने नहीं लिखी यहाँ पे, वो क्या थी, बी डी अगर मैं दोनों साइडों को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, बी सी ओवर ओ डी के साथ। बी सी ओवर ओ डी क्या है बेटे, ज़रा गौर करें, बी सी ओवर ओ डी, बी सी क्या था, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, बी सी क्या है, वी एफ माइनस वी आई, और ओ डी क्या है,
टाइम। इससे मैं अगर बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी सी ओवर ओ डी। तो क्या होगा बेटे, नतीजा क्या निकलेगा, ये बन जाएगा 2s इंटू बी सी ओवर ओ डी, यहाँ आएगा वी आई प्लस वी एफ इंटू बी सी ओवर ओ डी मल्टीप्लाई में पहले क्या मौजूद है यहाँ पे ओ डी, ओ डी ओ डी से कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा चलिए यहाँ पे इसको मुकम्मल कर लेते हैं पहले, फिर सेकंड भी कर लेंगे मेथड। क्या करेंगे जी, 2s बी सी ओवर ओ डी क्या होता है, बी सी ओवर ओ डी, बी सी क्या चीज़ है, बी सी क्या चीज़ है, बी सी ओवर ओ डी क्या चीज़ है बेटे, एक्सेलरेशन। बी सी क्या है, वी एफ माइनस वी आई, और इसे ओ डी से तकसीम कर दें, टाइम के साथ तकसीम कर दें तो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। बेसिकली ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये क्या बनना था, ये क्या है जी, इसे वी आई प्लस वी एफ, यहाँ क्या आएगा, फिर से देखिए वी एफ क्या, बी सी क्या चीज़ है, वी एफ माइनस वी आई। अब ज़रा इसे खोलिए तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे क्या है 2as, राइट साइड पे क्या बनेगा, वी आई वी आई से, वी एफ वी एफ से, तो क्या आएगा, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई, वी आई स्केयर माइनस में आएगा, वी एफ स्केयर प्लस में आएगा, वो देख लें बाकी वैल्यूज कट जाएंगे, चार वैल्यूज आएंगी, दो कैंसिल हो जाएंगी, दो ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि मेथड कहाँ पे दर्ज है, टेक्स्ट बुक के अंदर। अब दूसरे मेथड से करते हैं, वो मेथड क्या है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट, इजी वन है, आसान है, वो क्या है, यहीं से ज़रा देखिए। डिस्टेंस ट्रैवल क्या था हमारे पास, डिस्टेंस सेकेंड मेथड, उसमें ये सारा कुछ ऐसे ही करना है, बस यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बेटे किसके बराबर है, एस के, और वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ओ ए बी डी के। अब बताइए एरिया ऑफ ओ बी डी क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला है, एस किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ज़रा देखें वैल्यू सर्च करते हैं। अच्छा अब क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ तक वही सारा कुछ करना है, ओ ए मल्टीप्लाई बाय बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी, बस यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस, टू इधर आ जाएगा 2s। ओ ए की जगह बेटे क्या है, ओ ए क्या था, वी आई, बी डी क्या था, वी एफ, इस डायग्राम से जो हमने लिखी हुई चीज़ें। ओ डी क्या है, ओ डी बेसिकली अगर हम देखें, ओ डी क्या है, टाइम, और टाइम क्या हुआ करता, ये देखिए टाइम क्या था, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, डायरेक्टली वी एफ। ओ डी क्या है, मैं पहले लिखता हूँ, टाइम है, और टाइम बेसिकली किसके बराबर है, टाइम बेसिकली किसके बराबर हमने निकाला था, वी एफ माइनस फ्राम एक्सेलेरेशन डेफिनेशन क्या है जी, ओवर ए, ये ए इधर आ जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई, मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्टली ये रिजल्ट आ जाए। ये देखिए हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी, इस तरह से कर लीजिए, या जैसे हमने पहले किया था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी, थर्ड, जिसमें हमने क्या किया, हमने वही सिचुएशन, कंसीडर अ बॉडी विच इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, थोड़े वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई, फिर उसके लिए ग्राफ ड्रा किया, सिचुएशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है, बॉडी ए से आगाज करती है, जीरो तो नहीं था उसकी वेलोसिटी शुरू में, कहाँ पे पहुँच जाती, बी पे, वेलोसिटी वी आई से कहाँ पहुँच जाती, वी एफ पे, ग्राफ का नाम ओ ए बी सी डी, हम अब क्या जानते हैं, हमें कुछ वैल्यूज़ लिखनी है, ओ डी पता है एक टाइम एक्सिस पे है, टी है, ओ डी और ए सी बराबर हैं, ओ ए और बी सी डी बराबर हैं, ये क्या है, वी आई, वी आई, B
बी और डी किसके बराबर है, वी एफ के, बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, वहाँ से बी सी की वैल्यू, इसमें वैल्यू दर्ज करें टी की वैल्यू, क्योंकि ये सारी वैल्यूज यूज। अब क्या करना, हमें एक डायग्राम कंसिडर करनी है, वो डायग्राम क्या, बजाय ट्रायंगल और रेक्टेंगल के ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम शक्ल ये बन रही है, पूरी शक्ल को देखें ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम कैसी होती है, एक ऐसी शक्ल जिसमें दो साइड्स आमनी सामनी पैरेलल हो और एक साइड उसकी हाइट कहलाती, चार साइडें लेकिन दो साइडें पैरेलल है, ये साइड ये इसके पैरेलल है तो ट्रेपीजियम है, और इसका कुलिया 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसमें पैरेलल साइड्स OA और पैरेलल साइड BC है टोटल। अब OA प्लस तो सम ऑफ पैरेलल साइड था, हाँ जी, बी डी और इनटू हाइट, हाइट क्या आ जाएगी, ये वाली हाइट, हाइट कौन सी कंसीडर करेंगे जिसका इनके साथ जावियर 90 हो, तो ये नहीं लेनी, कौन सी हाइट लेंगे, ओडी, वैल्यूज दर्ज की, मल्टीप्लिकेशन की हमने 20 BC ओवर ओडी, बोथ साइड से कटिंग की, या ये मेथड जिसमें हम डायरेक्टली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की समझ आई होगी, आज के लिए इजाज़त दीजिए, मेरे मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, थैंक यू।